हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। टुडे वी विल डिस्कस द रोल ऑफ लाइब्रेरियन इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड शेयर इट। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है बिकॉज ऑफ सम इशूज, एज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, देर वर सम इशूज विद मी, बट नाउ ऑल सॉल्व। सो आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ लाइब्रेरी इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देखिए, अगर हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अगर उसमें लाइब्रेरी अच्छी नहीं होगी तो वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। और उसको संभालना, उसको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय लाइब्रेरियन? अ लाइब्रेरियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द डेली ऑपरेशंस ऑफ अ लाइब्रेरी एट द पब्लिक और प्राइवेट लेवल। दे कैन वर्क विद इन स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओन लाइब्रेरीज एंड रिसर्च फैसिलिटीज। जो लाइब्रेरियन पर्सन होते हैं ना, वो प्राइवेट और पब्लिक बोथ लेवल्स पे काम करते हैं। पब्लिक मीन्स कोई भी उनकी लाइब्रेरी में आता है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कोई कोऑर्डिनेटर है, स्टूडेंट है, या कोई इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है। कोई भी पर्सन आता है, उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग उनको हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड प्राइवेट लेवल पे कि उनको किस तरह से मैनेज करना है बुक्स को, और उनको ये चीज़ देखनी है कि किस बुक की रिक्वायरमेंट टीचर्स को पहले को ज़्यादा रहती है और कौन सी बुक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवानी है, नहीं करवानी है। इन दिस सेंस कि अगर सेम बुक टीचर एंड स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, देन लाइब्रेरियन विल डिसाइड टू गिव इट टू टीचर्स। वाई? बिकॉज इफ द बुक इज गिवन टू द टीचर, देन टीचर कैन प्रोवाइड मटीरियल टू ऑल स्टूडेंट्स। बट इफ द बुक इज गिवन टू ओनली वन स्टूडेंट, देन द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू मेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक ऑन देयर ओन लेवल। दे नीड हेल्प ऑफ द टीचर, सो इट इज़ बेटर टू प्रोवाइड दैट मटीरियल टू टीचर सो दैट दे कैन हेल्प टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लाइब्रेरियन हैज़ टू डिसाइड एट विच टाइम विच रिक्वायरमेंट इज नीड टू बी फुलफिल्ड। ओके, सो रोल ऑफ लाइब्रेरियन इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग में लाइब्रेरियन का क्या रोल होता है? इन्हांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। देखिए, जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं, अब क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करना, कि बच्चों को बताना एक चीज़ को सोचने के डिफरेंट वेज भी हो सकते हैं, उनको वो बुक्स प्रोवाइड करना, जो मटेरियल उनको चाहिए उनसे रिलेटेड, कितनी बुक्स में क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड है, ठीक है। उनको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ इन्हांस करना, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कौन सी होती हैं अगर हम इसकी ओर देखते हैं? दीज आर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन आउट करना, इवेल्युएट करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिसीजन करना और देन एनालाइज करना कि हमने सही किया या गलत किया, अगेन रीजन आउट करना कि डिसीजन अगर गलत था तो कहाँ पे प्रॉब्लम आई थी। दिस इज़ अ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कि आपको हर प्रॉब्लम को सोचना है, तो बच्चों के बीच में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को प्रोवाइड करना, ठीक है। सो यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गाइड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अबाउट हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी अगर न्यू आई है, उसके रिगार्डिंग बुक्स मेंटेन करना या डिजिटल कंटेंट को अवेलेबल करवाना, ताकि वो स्टूडेंट्स को या टीचर्स को प्रोवाइड करवाया जा सके। गाइड अबाउट एथिकल प्रोसीजर्स। एथिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं? एथिकल प्रोसीजर्स का मतलब है कि हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन योर व्यूज़ इन अ वे और इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है तो उसको कैसे बताना है? यू विल नॉट ओवर रिएक्ट, आई डोंट लाइक दिस, यू शुड नॉट डू दिस। नो, यू हैव टू गिव योर व्यूज इन अ प्रॉपर वे। सो दीज आर द लाइब्रेरियन गाइड हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन योर व्यूज, व्हाट आर द एथिकल प्रोसीजर्स टू एक्सप्लेन एनीथिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज हेल्प इन डिजाइनिंग पॉलिसी रिलेटेड टू लाइब्रेरी कि लाइब्रेरी के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, उनके रिगार्डिंग लाइब्रेरियन मैनेजमेंट को हेल्प करता है। प्रोवाइड कंडक्टिव इन्वायरमेंट। अब देखिए, कंडक्टिव इन्वायरमेंट क्या होता है? गेट टू नो स्टूडेंट बाई नेम एज क्विकली एज पॉसिबल। गेट टू नो सम पर्सनल थिंग्स अबाउट ईच एंड एवरी स्टूडेंट। प्रोवाइड पॉजिटिव कमेंट्स विन अप्रोप्रिएट और बी पॉजिटिव। These are some ways to provide a conductive environment to the student. So librarian provide these environment to the student so that the librarian can find out or reason out the problem of the students. कि बच्चों को क्या problem आ रही है, उनकी counseling करनी है, उनको guide करना है, तो उनके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए ना। तो इसलिए जो librarian है वो एक conductive environment provide करते हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेट द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और उसके रिगार्डिंग आपकी कौन सी बुक हेल्प कर सकती है, कौन सा डिजिटल कंटेंट आपको हेल्प कर सकता है, या कोई टीचर हेल्प कर सकता है, उनको मोटिवेट करते हैं। लीडरशिप वो एक लीडर की तरह वर्क करता है, ठीक है।
So next is analytical thinking. One is analytical skills, that communication, creativity, critical thinking, data analysis and research. These all points cover the analytical thinking, because librarian also tries to provide the analytical skills to the students so that they can find out the solution of their problems themselves. They don't need any others. Okay. So role of librarian in guidance in counseling, that is task delegation, कौन सा task कौन कर सकता है उसके regarding help करना, creativity provide करना, उनको books provide करवाना किस में वो betterly और creativity से काम कर सकते हैं, verbal communication, record keeping, record maintain रखते हैं कि किस अगर वो किसी बच्चे से बात करते हैं उसके regarding कुछ information उनको मिली है, वो किसी और चीज़ से relate करती है, then they make a record so that it can help them in future for the same student or for the different student. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम. सो रिसर्च, दे डू द दे कीप ऑन रिसर्चिंग ऑन द डाटा बट दे हैव कलेक्टेड एज अ रिकॉर्ड. ठीक है, लाइब्रेरियन जो करते हैं ना वो एक रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं और उस पर रिसर्च करते रहते हैं कि क्या उसका उन्होंने बच्चे से बात की थी तब क्या उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी, कहाँ वो हेल्प हुई थी, किस रिगार्डिंग वो और अफेक्टिव हो सकती है. ठीक है, सो एनालिटिकल थिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड विद द पिक्चर. नेक्स्ट इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ लाइब्रेरियन. देखिए, जब भी जो हमने पॉइंट्स किए थे वो थे कि एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या रोल्स होते हैं, क्या लाइब्रेरियन की रोल होता है, ड्यूटी होती है, बट एज अ लाइब्रेरियन उसके क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आई हैव ऑल्सो एडिड दैट. इफ यू फाइंड इट कन्वीनियंट एंड यू कैन यूज दैम ऑल्सो इन योर कॉन्टेंट. सो लाइब्रेरियंस कैन हैव डाइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक टू डेलीगेट टास्क अमंग स्टाफ टू मेंटेन अ प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट, कि अगर कोई काम है, कोई फंक्शन है स्कूल में, कहीं पे टूर लेकर जाना है, या किस तरह से काम को मेंटेन किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग ड्यूटीज लगाना. क्रिएट एन ऑनलाइन डाटा बेस फॉर इजी एक्सेस टू मेंबर्स एंड स्टाफ. एज आई टोल्ड यू दैट लाइब्रेरियन मेंटेन्स और प्रोवाइड हेल्प टू गेट द डिजिटल डाटा, सो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन टू क्रिएट एन ऑनलाइन डाटा बेस सो दैट इट विल बी ईजी फॉर द टीचर्स एंड फॉर द लाइब्रेरियन ऑल्सो टू प्रोवाइड द एक्सेस टू मेंबर्स एंड स्टाफ फॉर द रिक्वायरमेंट डाटा. कैटलॉग न्यू इन्वेंट्री एंड अपडेट द डाटाबेस अकॉर्डिंगली. जो न्यू बुक्स आई हैं उनकी इन्वेंट्री मेंटेन करना और जो पुराने की अपडेट करने की जरूरत है उनकी इन्फॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड करवाना. प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फॉर लाइब्रेरी यूजर्स. हेयर कस्टमर सर्विस इज नॉट लाइक वोडाफोन और एनी अदर कंपनीज आर प्रोवाइडिंग, दिस इज फॉर द लाइब्रेरी यूजर्स. कोई भी बच्चा आया है तो उसे पूछना, बेटा आपको क्या चाहिए, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बुक्स चाहिए, ताकि दे विल नॉट वेस्ट देयर टाइम. Provide suggestions to library users about new books to try. अगर कोई बच्चे को कोई फ्री लेक्चर में आ रहा है तो उसको सजेशंस देना कि बेटा आप ये बुक्स ट्राई कर सकते हो, दीज आर वेरी गुड मैगजीन्स, दीज आर वेरी गुड करियर बेस्ड बुक्स और समथिंग एल्स. ओके, सो इट हेल्प लाइब्रेरी यूजर्स चेक आउट बुक्स, कीप अप बजट टू रिपेयर, रिप्लेस और गेट न्यू रीडिंग मटेरियल. जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट लगती है कि यहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट रीडिंग मटेरियल जो कि स्टूडेंट्स या टीचर्स की मोस्टली डिमांड रहती है और वो अब आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, दैट शुड बी इन द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट. डिवेल्प फन एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर यूथ एंड एडल्ट्स. रिसर्च न्यू रीडिंग ट्रेंड्स एंड पॉपुलर जर्नल्स टू ऐड टू द लाइब्रेरी. ऑर्डर न्यू इन्वेंट्री फ्रॉम बुक सप्लाई कंपनी. सो दीज आर सम responsibilities of librarian. Okay, so I hope you like this and this content will be helpful to you. And subscribe nahi kiya ho to zarur kar lijiyega aur like aur share zarur kar dijiyega. Thank you so much. Keep watching my channel.